हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम देखने वाले हैं आज बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और बिहेवियर ऑफ फ्लूइड में हम देखने वाले हैं आज आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या है? आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आइडियल गैस है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। ठीक है, ये बहुत की मींस कंसेप्शन है कि जो आइडियल गैस होता है वह एक आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जो आइडियल गैस है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। आइडियल गैस इज नॉट ए आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल गैस जो हमारा है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आइडियल फ्लूइड के जो क्राइटेरिया है वो आइडियल गैस फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड है क्या? तो आइडियल फ्लूइड होने के लिए इसका पहला क्राइटेरिया है कि ये इनविस्किड होना चाहिए। ठीक है, आइडियल फ्लूइड होने के लिए ये इनविस्किड होना चाहिए, इनविस्किड। इनविस्किड होना चाहिए, इनविस्किड मीन्स नो विस्कोसिटी। जो फ्लूइड में है वो किसी तरह की, सॉरी, इसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो, इक्वल विस्कोसिटी इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए, नो विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी जीरो हो, यानी कि इसका मतलब मी इक्वल्स टू जीरो, तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ इक्वल्स टू होता है शेयर स्ट्रेस। टाउ हमारा है शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, जहां पे म्यू हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है, ठीक है, और डी यू बाय डी है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इन आइडियल फ्लूइड में म्यू हमारा जीरो है, तो इस कारण से हमारा जो शेयर स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस हमारा वो जीरो होगा, यानी कि टाउ इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा पहला क्रिटेरिया हो गया। अब इसको जो आइडियल फ्लूइड में, इसको कह सकते हैं कि नो शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो नो शेयर स्ट्रेस, नो शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा, जो फ्लूइड होना चाहिए वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। ये फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस। इस फ्लूइड में जो कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस है वो एक्ट करना होना चाहिए, तो कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। कॉन्स्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स, सपोज कीजिए एक फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है, तो कंटेनर है, इसमें फ्लूइड रखा हुआ है, तो ये इसका हो गया जो फ्री सरफेस फ्लूइड का है, ये हमारा फ्री सरफेस है। ठीक है, ये हमारा फ्री सरफेस है, तो इस फ्लूइड पे जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा वो नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल एक्ट करेगा, तो ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल एक्ट करेगा एट कांस्टेंट, इसको मानते हुए कांस्टेंट नॉर्मल, कांस्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, तो इस वजह से जो इसका स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल होगा। तो ये इस आइडियल फ्लूइड की क्राइटेरिया में आता है कि इसका जो है नॉर्मल स्ट्रेस वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ जो है आइडियल फ्लूइड का कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका और एक क्राइटेरिया है कि यह फ्लूइड इरोटेशनल होना चाहिए, इरोटेशनल, यह फ्लूइड जो है वो इरोटेशनल होना चाहिए। ठीक, इसका हम ग्राफ देखते हैं। अब जो आइडियल फ्लूइड का है वो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, तो ये हमारा हो गया
टाउ यहां पे शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, और इधर है आपका डी यू बाय डी वाई यानी कि डी थीटा बाय डी टी, ये होता है डी यू बाय डी वाई, ये हम लोग जानते हैं ठीक है फ्रॉम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उससे। तो डी यू बाय डी वाई, और तो इस देखिए ये आइडियल फ्लूइड का जो ग्राफ हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, तो ये हमारा हो गया आइडियल फ्लूइड का ग्राफ। तो आइडियल फ्लूइड के बारे में ये पूरा डिस्कशन है जो आइडियल फ्लूइड को सेटिस्फाई करता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही आइडियल फ्लूइड के बारे में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।